अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे मेहंदी सेरेमनी को लेकर पूरा कपाड़िया और पूरा शाह परिवार जो इकट्ठा हुआ है। इस मेहंदी सेरेमनी में ही अनुपमा को पता चल जाएगा कि काव्या माँ बनने वाली है। इस मेहंदी सेरेमनी में ही अनुपमा जान जाएगी कि काव्या प्रेग्नेंट है। बस फिर क्या था, काव्या जहाँ एक तरफ वनराज को ये सब बताना नहीं चाहती, वहीं इन सबसे हटकर अनुपमा करेगी फैसला कि मिस्टर शाह को ये सारी बातें जाननी ही पड़ेंगी। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे जो भी खेल यहाँ पर खेल रहा है वनराज, उस खेल को अनुपमा कर देगी फेल। अनुपमा वनराज को साफ साफ कह देगी कि काव्या प्रेग्नेंट है और वनराज को अब काव्या का ख्याल रखना ही पड़ेगा। वेल, आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ये जिस रास्ते पर चल पड़ा है वनराज, जिस रास्ते पर चलकर वनराज सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वनराज का वो रास्ता काटेगी अनुपमा। अनुपमा वनराज से ये भी कह देगी कि चाहे वनराज को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उसे काव्या और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। अनुपमा वनराज से कह देगी कि वनराज चाहे या ना चाहे, लेकिन उसे काव्या को अपनाना ही पड़ेगा, काव्या के साथ अपने रिश्ते को नॉर्मल करना ही पड़ेगा। अब अनुपमा का ये फैसला किस मोड़ पर लेकर जाता है शो की कहानी, अनुपमा के इस फैसले की वनराज और शाह परिवार के बाकी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है देखना होगा। पहले आपको बता दें, काव्या का ये प्रेगनेंसी ट्रैक इतना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस प्रेगनेंसी ट्रैक में ही बवाल होगा। इस प्रेगनेंसी ट्रैक में ही डिम्पी समर को लेकर ताने देगी। आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है देखना होगा।